दोस्तों, मैं मलिक यारो का यार आज आप सभी को लेकर चलता हूँ लेह लद्दाख की जर्नी पे, जिसमें लगभग एक हफ्ता या 8 दिन लग जाएंगे और जिसके बीच में जो अनेक डेस्टिनेशन है वो आपको दिखाऊंगा मैं। और उसके लिए जो है अपनी सारी वीडियो जो है मैं पार्ट में डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगा। तो चलिए चलते हैं, इसी जर्नी के शुरुआत करते हैं और दिखाता हूँ शुरुआत करने से पहले कि गाड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है चलने के लिए। ये देखिए पीछे देखिए, ये गाड़ी का बेड बन चुका है जिसमें एसी वाली लेट चुकी है। हाय करो बेटा। देखिए पूरा जो है कैंपिंग का सामान ले चुके हैं। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते दादी। चलो चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस जर्नी की अपने घर से। अब हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद दिल्ली में बने हुए सिग्नेचर ब्रिज पे, जो कि एक इंजीनियरिंग की मिसाल है। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं नरेला बॉर्डर। यहाँ अभी आज से 1 साल पहले इतना जाम था कि आप जो है लगभग यहाँ से 1 से 1.5 घंटे में जो है इसको पार करते थे नरेला को, लेकिन अब यहाँ पे 2 से 3 पुल बन चुके हैं जो कि आपको नॉन स्टॉप, अब आप यहाँ से नॉन स्टॉप बिल्कुल सीधा पानीपत, अम्बाला सब जगह नॉन स्टॉप जाओगे, कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया पुल बन चुके हैं। नरेला का जाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अम्बाला द्वार पर जहाँ से अम्बाला का आगमन होता है, यहीं से एक रास्ता लेफ्ट में जो है चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगा, लेकिन हमें जाना है सीधे क्योंकि हमें पहुँचना है जम्मू। जो लुधियाना वाला रास्ता है वैसे फॉलो करना है और यहीं से लेफ्ट में किसी को शिमला जाना है, नारकंडा जाना है, चंडीगढ़ जाना है तो ये लेफ्ट वाला रास्ता फॉलो कीजिए। और अगर पठानकोट जम्मू डलहौजी जाना है तो ये राइट वाला रास्ता फॉलो कीजिए। ये देखिए जो करनाल बाईपास से ये रोड बिल्कुल सीधी आ रही है, इस रोड को नहीं छोड़ना है। लगभग 386 या 387 किलोमीटर चलने के बाद ये आपको पीछे जो मैंने बोर्ड दिखाया पठानकोट का, इसके लिए आपको नीचे लेफ्ट में मुड़ जाना है, फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है यहाँ से। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो जलंधर से पठानकोट की तरफ जो रोड मुड़ती है, मुड़ने के कुछ देर बाद ही हमें यहाँ जो अपने सिंह साहब भाई है, सरदार भाई है, इनके द्वारा यहाँ छवि लगाई हुई है। और रास्ते में भी पीछे भी 2-3 जगह छवि लगी हुई थी ऐसे ही। और इतनी गर्मी है और उस गर्मी में ये इस प्रकार यहाँ से लोगों की सेवा करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे कि दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं भी, आपको आवाज़ आ रही हो, ये यहाँ पे छवि चल रही है। ये देखिए अब हमने जो है पठानकोट पार कर चुके हैं और पठानकोट पार करने के बाद अब हम आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के गेट में, मेन एंट्रेंस गेट का जो है ये यहीं से है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे ये महाराजा गुलाब सिंह की जो प्रतिमा लगी हुई है और इंडिया के नक्शे का एक गेट बना हुआ है। अगर कोई भी अमरनाथ जाता है या जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी जाता है तो यहाँ से चेकिंग कराने के बाद ही जाएगा, यही मेन एंट्री है, यहीं से घूम के ही जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं कठुआ, इस जगह का नाम है कठुआ। यहीं से एंट्री करते हैं, घूमने के बाद ही आप अब एंटर कर चुके हैं J&K में। मेरे दाई तरफ ये देखिए और बाई तरफ भी देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ इतनी सारी पकौड़ी की दुकान है, ये इतनी फेमस पकौड़ी है यहाँ की,
जैसे ही आप जम्मू कश्मीर में एंटर करोगे तो यहाँ की जो पकौड़िया है ये इनका स्वाद लेना ना भूले। ये चाट जो लिखा है तारा चाट हाउस, प्रेम भल्ले वाले, ये सारी दुकानों के जो पकौड़े यहाँ के बहुत ही मशहूर है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए लेते हैं हम भी और इसके बाद चलते हैं आगे भी ले लेते हैं। ये यशपाल भाई की दुकान है, यशपाल चाट हाउस। तो यहाँ से इन पकौड़े को लेते हैं और इसका आनंद लेते हैं, यहाँ का स्वाद कैसा है इसका आनंद लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। यशपाल भाई बनाइए दो पत्ते बढ़िया से। आज तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम तो, लेकिन जब गर्मी कम होती है शाम के समय तो यहाँ पर तो भीड़ निरंतर जो है लोगों की भीड़ चलती रहती है और लोग बाग इस स्वादिष्ट नाश्ते का जो है आनंद लेते हैं यहाँ पे। पकौड़ी का कैसे आनंद ले रहे हैं, कैसी लग रही है भाई पकौड़ी आपको? अच्छी है, टेस्टी है? चलो बहुत अच्छी है। बेटा आपको कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी। चलो भाई मैं भी खाता हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी जब आप माता रानी के दरबार में आए या श्रीनगर जाए घूमने के लिए या आगे लेह लद्दाख अमरनाथ कभी भी कहीं जाए इस रोड से तो ये कठुआ की पकौड़ी खाना ना भूले। 5-7 मिनट आपकी लग जाएगी कोई नहीं, लेकिन रोक के इस टेस्ट का जरा आनंद जरूर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं इससे आगे, अब आपको दिखाऊंगा कि माता वैष्णो देवी के जो रास्ता है कहाँ से मुड़ता है वो आगे का उसके दिखाऊंगा, उसके आगे फिर मैं उधमपुर निकल जाऊँगा। ये देखिए जैसे हम कठुआ से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे चले माता रानी के दरबार की तरफ तो कितनी जबरदस्त बारिश और इतनी तेज हवा है कि आगे शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए कितनी तेज बारिश है और टेम्परेचर अभी तक 41 डिग्री था और एकदम 25 डिग्री रह गया। ये है परमात्मा की माया, ये देखिए भगवान। मुझे सामने की तरफ साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस एक्सपीरियंस से गाड़ी चल रही है। ये देखिए अगर आप सफर कर रहे हैं और सफर के दौरान और गर्मियों में वो भी अगर ऐसी बारिश और ऐसा सुहावना मौसम मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा, मजा आ गया, अल्टीमेट मौसम हो रहा है बिल्कुल एकदम। क्या जबरदस्त व्यू है सामने पहाड़ी का। आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने का नजारा, ये वैष्णो माता के जो रास्ता जाता है उससे लगभग 7-8 किलोमीटर पहले का जगह है और ये सामने नज़ारा देखिए सड़क का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहीं विदेश में आ गए हो। जबरदस्त व्यू है इस रोड का और इस पर ड्राइविंग करने का जो मज़ा इस टाइम आ रहा है मुझे वह मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये देखिए कितनी कितनी सुंदर सड़क, कितनी जबरदस्त सड़क है। अब देखिए एकदम बिल्कुल नीचे जाएगी और ये देखिए नजारा, वाह। भावना है यहाँ का और ऊपर से ये वादिया, हरे भरे पेड़ दोनों तरफ, सुंदर सड़क और यहीं से ही जो ये कट आता है टी पॉइंट आता है यहाँ से हमें राइट में चलना है ऊपर की तरफ। यहाँ से कटरा 33 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर और उधमपुर है 62 और श्रीनगर डल झील जो है वो है यहाँ से लगभग 245 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अभी आगे इस रोचक सफ़र का आनंद लेते हुए। इस जगह को देख कर एक गाना याद आ रहा है हमें सबको, कौन सा रहा है? दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं,
जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। और ये देखिए आसमान की तरफ देखिए, कितना जबरदस्त व्यू है आसमान का भी। और अभी तो ये लेह की जर्नी जो है आज स्टार्ट हुई है, अभी आगे आगे चलिए, देखिए कितनी एडवेंचरफुल चीजें आपको दिखाई देगी। जबरदस्त टूर रहेगा ये वाला, एक से एक नज़ारे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे अभी सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो जो है कृपया ये सीरीज पूरी देखे, तभी मजा आए इस टूर का। और जो भी मेरी वीडियो देखता है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मलिक ग्यारह ग्यारह को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए यार दोस्तों को, जिससे कि मुझे बढ़ावा मिले और मैं आप जैसे दोस्तों के लिए ऐसी अनेकों वीडियो आप सभी के लिए ला सकूँ बना बना कर। तो चलिए देखिए ये राइट के नज़ारे, सामने के पहाड़ बिल्कुल पीछे की तरफ अगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बर्फीले पहाड़ है। और आप देख सकते हैं इस जगह पर ये देखिए दो एक पहाड़ था जिसको काट कर बीच में से रास्ता बना दिया है। तो ये भारत के इंजीनियरों की मिसाल है, देखिए कितने सुंदर ऊपर देख सकते हैं आप पुल बना रहे हैं देखो रेलवे का। और ये पार करके ये रास्ता बहुत शॉर्ट कर दिया, पहले लॉन्ग रास्ता था, इसको कटने के बाद काफ़ी शॉर्ट हो चुका रास्ता ये। अब देखिए ये खास पहचान है माता वैष्णो देवी से पहले की, कि यहाँ पर आपको दो या तीन टनल आएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू, ये पहचान है। दो सुरंग आएगी ऐसी ऐसी, एक छोटी है एक थोड़ी बड़ी है, ये पहले वाली थोड़ी छोटी सी है, दिखाने कोशिश करूंगा आपको मैं। ये देखिए कितनी सुंदर टनल इन्होंने बनाई हुई है ये। अब इसे खत्म होते ही थोड़ी सी दूर एक दूसरी सुरंग और आ जाएगी, वो थोड़ी बड़ी है इससे। इन सुरंगों के कारण भी जो है कितना ही रास्ता जो है छोटा हो गया है। आप दूसरी टनल आने वाली है, ये हमारे सामने दाएं तरफ आ चुकी है, ये टनल थोड़ी सी बड़ी है उससे। और ये दोनों खुद में ही एक इंजीनियरिंग की मिसाल है। सबसे नंबर वन तो है अटल टनल जो मनाली से सिसु के लिए जाती है, उसके बाद है जौहर सुरंग, और ये उसके बाद सुरंग जो है इतनी अच्छी सुरंग बनाई है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रास्ता है, नीट एंड क्लियर रास्ता है बिल्कुल। देखिए अच्छा साउंड इसके अंदर आ रहा है गाड़ी का। जय माता दी। अभी आ गई है फाइनल तीसरी सुरंग, इसके अंदर लाइट लग चुकी है, इनके अंदर लाइट नहीं लगी अभी पीछे। ये देखिए वाह वाओ। किस तरीके से चट्टान है पर पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के उसके नीचे, वाह ये देखिए ऊपर पहाड़ है उसके नीचे से सुरंग निकाल रखी है। हे भगवान ये देखे कितनी लंबी सुरंग थी ये, वाह लगभग दो मिनट इसके अंदर से पार होने में मुझे लग गई, इतनी बड़ी सुरंग है ये। कितना साफ सुथरा रास्ता है दिल्ली से लेके और यहाँ तक, अभी तक रास्ते में जरा से भी मैं 1% भी कमी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल टॉप रास्ता है, बिल्कुल बिना ब्रेक के गाड़ी चले जा रही है सुबह से।
और सफर का पूरा आनंद आ रहा है। इतनी बड़ी सरकार भारतीय सरकार ने बनाई हुई है और इसमें नितिन गडकरी जी का मुख्य भूमिका रही है इसमें बनाने में, जो अपने दिलो जान से जो है लगे पड़े हैं भारतीय सड़कों का निर्माण करवाने के लिए, जिसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो धन्यवाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, बिल्कुल ये सामने जो सफ़ेद बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए, इसके बराबर में ही राइट में ब्लैक रंग का पहाड़ है, जो इसी पे आपको लाइट जली हुई दिखाई देगी। और यही रास्ता जो है माता वैष्णो देवी के लिए जाता है। अभी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, अगर याद दिख जाए तो। ये जो सामने काली वाली पहाड़ी जो है, ये इस पे जो लाइट वगैरह दिखाई दे रही है, झिलमिल झिलमिल हो रही है, ये यही माता रानी का दरबार है, माता वैष्णो देवी का। अभी मैं अप्रैल में यहाँ दर्शन करके गया था अपनी फैमिली के साथ, और आज फिर मुझे मौका मिला है यहीं से निकलते हुए माता रानी के दर्शन करने का। तो बोल सच्चे दरबार की जय, बोल वैष्णो माता की जय, जय करा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। तो भैया आज हम धन्य हो गए हैं माता रानी का दर्शन दोबारा करके, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। एक पन दो काज हो गए, आज का मेरा नाइट स्टे है वो उधमपुर में करूँगा, क्योंकि कल मैं पहुँचूँगा श्रीनगर। तो सुबह से ड्राइविंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए जो है मैंने सोचा है कि अपना जो नाइट स्टे है वो उधमपुर करूँगा। तो चलो पहुँचते हैं उधमपुर, माता रानी के दर्शन हो गए हैं, जय माता दी। भाई ये देखो आप मेरे बिल्कुल सामने, इस सफर का सबसे जो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि जो आपके बिल्कुल सामने ये लाइट लाइट जो पहाड़ों पे दिखाई दे रही है, ये है माँ वैष्णो देवी का दरबार है। ये बीच में आपको ये अर्थकुआरी है, और ज्यादा लाइट लास्ट में दिखाई दे रही है वो है माँ वैष्णो देवी। तो भाई हम तो धन्य हो गए हैं अपने इस लेह ट्रिप पे, माता वैष्णो देवी के दर्शन हमें हो गए यहीं से ही, क्योंकि अब हमें उधमपुर जाना है और उससे पहले हमें माता ने अपने दर्शन दे दिए, तो हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण हो गई, हमने ये मान लिया। अभी मैं पिछले अप्रैल में ही मैं माता के दर्शन करके गया था और माता ने दोबारा अवसर दिया, तो बस दिल जो है बिल्कुल आनंदमय हो गया है, मन हृदय बिल्कुल आनंदमय हो गया है इसी बात पे। बोल सच्चे दरबार की, बोल वैष्णो माता की, बोल दुर्गा माता की जय करा शेरा वाली का, जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, ओ मेहरो वालिए,